वालेकुम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हमारा आज का टॉपिक है स्टडी आज मैं आपको स्टडी यानी पढ़ाई के मुतालिक चाइनीज़ लैंग्वेज में बताऊँगी जी सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी पढ़ाई को यानी कि स्टडी को चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या कहा जाता है चलिए पढ़िए शुए शी शुए शी स्टडी को कहा जाता है यानी कि पढ़ने को कहा जाता है लाउशर लाओशिर लाओशिर टीचर यानी उस्ताद को चाइनीज़ में लाउशर कहा जाता है शुएशंग 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 यानी स्टूडेंट तलेब इम को कहा जाता है चोंगवान, चोंगवान चाइनीज़ लैंग्वेज चीनी ज़बान को चाइनीज़ में चोंगवान कहा जाता है तू तू रीड यानी के पढ़ना किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए तू इस्तेमाल किया जाता है शीए शीए, राइट, शीए का मतलब राइट यानी कि कोई भी चीज़ लिखने के लिए शीए बोलते हैं शुएशियाओ, शुएशियाओ, स्कूल स्कूल को चाइनीज़ में शुएशियाओ कहा जाता है ताशुए ताशुए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के लिए चाइनीज़ में ताश लफ्ज इस्तेमाल होता है शू, शू, बुक किताब को शू कहा जाता है चलें आइए अब हम जुमलों की तरफ चलते हैं जी अगर कोई आपसे पूछता है आप क्या पढ़ते हैं तो वो आपसे कैसे पूछेगा नी शुशी शम्मा, नी शुशि शम्मा। नी का मतलब यू यानी के आप शुशी स्टडी पढ़ते हैं शमा वर्ड क्या यानी कि आप क्या पढ़ते हैं जी अगर आप आंसर करेंगे मैं चाइनीज लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो आप कैसे आंसर करेंगे वा शु शि चौगवन व श्शी चौंग वन वा, 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 वा का मतलब आई यानी कि मैं शुई शी स्टडी पढ़ते हैं चौगवन चाइनीज़ लैंग्वेज जी मैं चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ता हूँ जी चले आइए अब दूसरे जुमलों की तरफ चलते हैं शुशंग शुशि शम्मा, शुशंग यानी के तालब इम शुशी पढ़ना स्टडी को कहा जाता है शम्मा वर्ड क्या तालब इल्म क्या पढ़ते हैं जी अगर तालब इल्म आंसर करते हैं कि वो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो क्या कहेंगे शुशंग शुशि चंगवन शुशंग शुशि चंगवन शुशंग यानि तालिब इम शुएशी स्टडी पढ़ने को कहा जाता है चोंगवान चाइनीज़ लैंग्वेज यानी कि चीनी जुबान तालब चीनी जुबान पढ़ते हैं शुएशंग तू शुमा, शुएशंग तू शुमा, शुएशंग यानी के स्टूडेंट तू रीड को कहा जाता है पढ़ने को कहा जाता है शु बुक जी अगर आपने ये पूछना है क्या तालब बुक पढ़ते हैं तो इस तरह से पूछेंगे शुएशंग तू शूमा क्या तालबिल किताब पढ़ते हैं जी अगर तालबिल कहते हैं जी वो किताब पढ़ते हैं तो वो कहेंगे शुए शंग तू शू शु। शुए शंग तू शू यानी तालब किताब पढ़ते हैं अगर आपने ये कहना हो क्या आपका टीचर चाइनीज़ लैंग्वेज लिखता है या आपके टीचर चाइनीज़ लैंग्वेज लिखते हैं तो आप कैसे बोलेंगे लाओश कुिए चोंगवन मा, लाउशिर पुई शि चवन क्या आपके टीचर चाइनीज़ लैंग्वेज लिख सकते हैं लाउशिर यानी के टीचर उस्ताद कुइ शिए लिख सकते हैं क्या एबिलिटी है कि वो लिख सकते हैं चोंगवन चाइनीज़ लैंग्वेज लाउशिर पुई शिए चंगवन क्या टीचर चाइनीज़ लैंग्वेज लिख सकते हैं जी अगर आंसर है टीचर चाइनीज़ लैंग्वेज लिख सकते हैं तो इसको कैसे बोलेंगे लाओशर पुई शिए चंगवान लाओशर पुई शीए चंगवान यानी के टीचर चाइनीज़ लैंग्वेज लिख सकते हैं उम्मीद है आज हमारा स्टडी यानी तालीम से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ आया होगा जाइए पढ़िए और याद कीजिए अल्लाह हाफ